नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मिसेस शशि ऑफिशियल में। तो दोस्तों, मैं आज जा रही हूँ बच्चों का झटपट से नाश्ता तैयार करने, तो मैं सोची कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेती हूँ। दोस्तों, बच्चों को स्कूल जाना होता है तो सोचते हैं लोग कि बहुत जल्दी ऐसा नाश्ता होता है जो झटपट से टेस्टी भी होता है, बच्चों का पेट भी भर जाता है और जल्दी से बना भी लेते हैं। तो मैं आप लोग बना कर दिखाती हूँ और आप लोग देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं झटपट से बच्चों का नाश्ता जो सुबह में टिफिन में लेके जाते हैं दोस्तों। तो हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए दोस्तों हम कैसे बनाते हैं। तो मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया था, जो आलू बॉयल हो चुका है और मैं इसे अब छील लेती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दोस्तों। और मैं थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम हो चुका है तो पीना बहुत ज़रूरी होता है। पीना चाय बनता है, हमारे यहाँ भी चाय बनता है दोस्तों, सुबह में चाय पीना अच्छा होता है, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है चाय पी करके दोस्तों, चाय पीने से मूड फ्रेश हो जाता है। तो देखिए हमने इधर चाय रख दिया है, जो हमारा चाय भी खोल रहा है और देखिए हम चाय कैसे बनाते हैं दोस्तों। देखिए हमारे पास रिंग लाइट नहीं है दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हम जल्दी ही रिंग लाइट ले लेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को देखिए दोस्तों, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और अकेले वीडियो शूट करने में बहुत दिक्कत होता है दोस्तों, कभी फ़ोन गिर जाता है तो कभी डर लगता है कि किसी खाने में मत गिर जाए तो और बड़ा दिक्कत हो जाएगा। जितने का वीडियो नहीं उससे ज़्यादा हम अपना फ़ोन खो देंगे दोस्तों, इसीलिए संभल करके अगर कोई भी वीडियो बना रहे हैं तो संभल करके वीडियो बनाइएगा। तो हमारे वीडियो में बने रहिए, तब तक हम सब चीज़ तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं कि हम क्या क्या डालते हैं उस कचौड़ी में। आलू की कचौड़ी बनाएंगे दोस्तों, तो हम सब कुछ रेडी कर लेते हैं उसके बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। दोस्तों देखिए मैं आलू छील रही हूँ, अभी मैं छील लेती हूँ, उसके बाद इसका डो तैयार करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। चुप रहो बेटा, वीडियो स्क्रीन नहीं आ रहा है। है फैमिली, तो देखिए मैंने आलू को जो है उसको मैं छील ली हूँ और मैं इसमें इतना बच्चों के नाश्ते में मैं इतना धनिया डालूंगी और इतना सा लहसुन और दो मिर्चा की कलियाँ, जो दो मिर्चा है दोस्तों। थोड़ा सा मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, घबराहट टाइप की हो रही है, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी से कढ़ाई में डाल करके इस आलू को मिक्स करूँगी उसमें, और उसके बाद मैं ये आटा लगाऊँगी, और मैं आटा देर तक नहीं लगाऊँगी दोस्तों, मैं तुरंत इसे गूँथूँगी, तुरंत मैं इसे कचौड़ी बनाऊँगी दोस्तों। बहुत लोग बोलते हैं कि इसे आटा का डो बना करके 10 मिनट 15 मिनट के लिए रख दीजिए, लेकिन हम रखने के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि बच्चों का टिफिन तैयार करना है दोस्तों। तो इसलिए चलिए हम बनाते हैं झटपट से बच्चों का नाश्ता सुबह का, बने रहिए हमारे वीडियो में। मेरी कढ़ाई जो है गर्म हो चुकी है दोस्तों, मैं इसमें सरसों का तेल ऐड करूँगी।
थोड़ा मोबाइल पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं आप लोग को नहीं दिखा पा रही हूँ दोस्तों। उसके लिए मुझे मिलेगा दोस्तों, मैं बना लेती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग देखिए। और इसमें थोड़ा सा जो कलौजी का मसाला होता है वो ऐड करेंगे दोस्तों, ताकि और टेस्ट आ जाए उसमें। सुबह में बहुत जल्दी होता है दोस्तों, बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है, तैयार करके नाश्ता भी तैयार करना होता है, तो आप समझ सकते हैं मैं कितना मतलब जल्दी में वीडियो बना रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और मुझे और मन करेगा वीडियो बनाने के लिए। नहीं तो ऐसे लोग थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि अगर लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। इतना है कलौजी का मसाला जो कलौजी में पड़ता है, देखिए। और मैं ये अब इसमें ऐड कर दूंगी दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तुरंत बना लीजिए, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, इसको छोड़ेंगे भी नहीं हम, तुरंत इसको लगाएंगे और तुरंत इसमें फिल कर करके उस चोखी को उसके बाद कढ़ाई में डाल करके मैं इसे छानूंगी। आप लोग देखिएगा मैं कैसे बना रही हूँ। Thank you.
देखिए दोस्तों मेरा रेडी हो गया। और मैं इसे आटा का लोइया बनाऊंगी और उसमें भरूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कितना टेस्टी बनता है। देखिए देखिए थोड़े देर के लिए भिगो देती हूँ क्योंकि मुझे इसी में कचौड़ी बनाना है दोस्तों। और भिगो दूंगी तो ये मेरा आटा भी रेडी हो गया है दोस्तों। टाइम लगे तो दो देख रहे हैं दोस्तों क्योंकि थोड़ा जल्दी होता है बच्चों को स्कूल गाड़ी से जाना होता है। अगर गाड़ी छूट गई तो बच्चों का स्कूल छूट जाएगा इसीलिए थोड़ा सा केयर करना पड़ता है टाइम का। तो दोस्तों हमारे वीडियो में आप लोग बने रहे। फैमिली मुझे बहुत लेट हो रहा है इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी टिफिन तैयार कर दूँ। मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी नहीं अच्छे से दिखा पाऊँगी। मैं बस इसको फटाक से बना लेती हूँ और मैं इसे बना करके आप लोग को दिखाती हूँ। दोस्तों बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है दोस्तों, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। मैं इसे फिल कर रही हूँ उसमें, देखिए गिर गया। देखिए इतना मैं इसमें रखी हूँ और मैं इसे ऐसे ऐसे हाथों से करके ऐसे अच्छे से बिल्कुल अच्छे से फिल हो जाता है इसमें। देखिए देखिए मेरा चोखा इसमें आ गया और बंदर बहुत सारे परेशान कर रखे हैं। आप लोग इसे सरसों के तेल में छानेंगे तो और अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ उतना सरसों का तेल नहीं है लेकिन रिफाइंड है तो मैं उसमें रिफाइंड में इसे छान लेती हूँ और मैं आप लोगों को इसे छान करके अच्छे से दिखाती हूँ। और देखिए मैं इसे हाथों में ही इतने अच्छे से मैं इसे रखती बनाती हूँ। देखिए देखिए कितना अच्छा है। देखिए मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बस प्याज बनाऊंगी और बाद में नहीं बनाऊंगी। देखिए आप लोग के बंदर यहीं पे बंदर आते हैं, सोचते हैं कि कब आकर के कुछ खा जाए। उन लोग को कुछ मिलता नहीं है, कैसे मिलेगा दोस्तों, वहाँ पे जाली लगा हुआ है। देखिए
पहले कढ़ाई में थोड़ा सा आटा का गोल बना करके डालना चाहिए, अच्छा होता है। पुरानी परंपरा है, लोग पहले से करते आए हैं, हम लोग को भी परंपरा को निभाना चाहिए। उसको और उसको चूल्हे पर रखना चाहिए। देखिए और देखिए मैं कचौड़ी डाल रही हूँ कढ़ाई में। कचौड़ी को थाली में निकालने के लिए एक छोटी सी थाली ले लेती हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों मेरी कचौड़ी थोड़ी थोड़ी फूल रही है। देखिए इसको पलट देंगे। देखिए ऐसे करके मैं शायद भी कचौड़ियाँ बना लेती हूँ और मैं आप लोग को दिखाती हूँ दोस्तों, क्योंकि मोबाइल पकड़ने से मेरा हाथ भी जरूरत कर रहा है दोस्तों, इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा वीडियो को रोकती हूँ और उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ दोस्तों। तब तक के लिए बने रहिए। देखिए दोस्तों मेरी जो है कचौड़ी रेडी हो गई है। अगर आप लोग को खाना होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, मैं इसकी रेसिपी आप लोग को ज़रूर बताऊँगी, अच्छे से बताऊँगी। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी हैं दोस्तों, टेस्टी भी है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए बस इतना। और देखिए मेरी बेटी कैसे मज़े से खा रही है, देखिए दिखा दो। देखिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।